हमारे साथ असीम गोयल जी बातचीत के लिए मौजूद है। हरियाणा न्यूज़ पर आपका स्वागत है। अभी अभी आपने ट्वीट कर जानकारी दी है कि आपने शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट मिनिस्टर से मुलाकात की है, कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है, क्या कुछ चीज़ें रही? जी बिल्कुल, मेरी माननीय कृषि मंत्री जो हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी से मुलाकात हुई है, और हमारे यहाँ पे जो एक मेन मुद्दा है शंभू बॉर्डर का हमारे किसान साथियों का, उस विषय को लेकर और भी अन्य विषयों के ऊपर उनसे बड़ी सकारात्मक जो है चर्चा हुई है। आज मैं लोकसभा में उनसे मिला था, तो उम्मीद है कि आगे जो भी होगा अच्छा ही होगा। अगर हम बात करते हैं हरियाणा की बात करते हैं, तो आज कई चीज़ें भी दी गई है हरियाणा वासियों को दी गई है। स्ट्रीट फ्लोर की अगर हम बात करते हैं, साथ ही कर्मचारियों को भी कुछ पैसे बढ़ाने की भी बात करिए, किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस का ये कहना है कि ये जो दुगने रफ्तार से काम हो रहा है इसीलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाला है। देखिए, कांग्रेस जिन्होंने कभी 55-60 साल के कार्यकाल में केंद्र में और हरियाणा में मैक्सिमम कार्यकाल कांग्रेस का रहा, जिन्होंने कभी कुछ किया नहीं, और आज वो बड़ी बड़ी बातें करें हम आएंगे तो ये करेंगे, इनकी बातों के ऊपर लोगों को विश्वास नहीं है। आज एक साधारण परिवार में जन्म लिया हुआ एक साधारण व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से पार्टी की सोच को आगे बढ़ाते हुए और लगातार लोगों के लिए संघर्ष करते हुए, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, एक किसान का बेटा, आज हरियाणा के सर्वोच्च पद पर पहुंचा है और लगातार जन कल्याणकारी फैसले जो है नायब जी की सरकार ले रही है, उनकी पूरी टीम काम कर रही है, उनको देख के हमें इंस्पिरेशन मिलती है। तो कांग्रेस को ये हजम नहीं हो रहा, वंशवाद की राजनीति करने वाली कांग्रेस, भूपेंद्र हुड्डा जी, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा जी को लेके जो जिस प्रकार से आजकल पूरी पार्टी एक साइड है और वो लोग एक साइड हैं, एक मैच चल रहा है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो कांग्रेस के इस कौन बनेगा मुख्यमंत्री के अपनी लड़ाई में लाइफलाइन इनकी ख़त्म होती जा रही है, हेल्पलाइन इनकी ख़त्म होती जा रही है। तो उन सबसे अलावा आज नायब जी बड़े एक मन से, मेहनत से अपने काम को जो है गति देने में लगे हैं, और ये चीज़ इनसे जो है मेरा सीधा कहना है हजम नहीं हो रही। तो इस प्रकार के अंदर गलर हो, सरकार दुगनी गति से नहीं, लगातार पिछले 10 सालों में भी आदरणीय मोदी जी और मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, और अब आदरणीय मोदी जी और नायब जी के नेतृत्व में लगातार सरकार काम को आगे बढ़ा रही है। एक आखिरी सवाल लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर कर लिया जाए, किस तरह लगातार अगर लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी को लेकर काफ़ी जो राजनीति गरमाई हुई है, जिस तरीके से हिंदू के रिमार्क को लिया गया है, हालांकि कहा गया है कि बीजेपी हिंदू की बात की जा रही है ना कि पूरे देश भर के हिंदू को, तोड़ मरोड़ कोई चीज़ों को पेश किया जा रहा है, वही पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से उन चीज़ों को हटा भी दिया गया, इन सभी चीज़ों को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, राहुल बाबा को पर्ची लिख के जो उनके सलाहकार हैं कुछ बुलवाते हैं या वो कुछ सुन लेते हैं, अधूरा बोल देते हैं। हिंदू और धर्म, मेरा ये मानना है हिंदू और धर्म, इसको किसी ने समझना तो एक लाइन में भी समझ सकता है, और नहीं समझना तो पूरे जीवन भी कम है। राहुल जी दूसरी कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए पूरा जीवन कम है, उनको कभी ना हिंदू दर्शन समझ आएगा ना धर्म का समझ आएगा। उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि बीजेपी वाला हिंदू, बीजेपी के 18 करोड़ सदस्य हैं तो वो हिंदू नहीं है, आरएसएस वाला हिंदू, अरे भैया आप यह ज्ञान इतना लाते कहाँ से हो? और मेरा तो सीधा कहना है कांग्रेस के लोगों से भी और राहुल गांधी जी से भी, इनको थोड़ा बड़ा हो दे जाने दीजिए, तब इनको पर्ची वर्ची वाली छाया से बाहर निकालिए। पढ़ते कुछ हैं, समझते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं, देश को गुमराह करना हमेशा कांग्रेस का और राहुल जी का तो स्पेशली एक आदत बन गई है। अल्प, अपने अल्प ज्ञान को बड़ा, एक आप देखिए कल भी मैं इनके एक्सप्रेशन देख रहा था कि दो लाइन बोल के लगातार इधर उधर देखते थे कि कोई मेरी बात को लेकर ताली बजाएगा, यानी वो कल सब प्रोजेक्टेड था, जो भी कुछ बोला वो लॉजिकल नहीं था, वो प्रोजेक्टेड था। तो जनता इनकी सच्चाई को समझ चुकी है। आपने जिस तरीके से कहा कि उन्हें बड़ा होने दो, वही अगर हम पूर्व गृह मंत्री हरियाणा की बात करते हैं, अनिल विज साहब की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि पप्पू बड़े हो चुके हैं, कुछ भरी कॉन्स्पिरेशन करने वाले हैं देश में, कुछ कह सकते हैं कि कुछ टकराव होने वाले रिलीजन को लेकर, इस तरह की चीज़ें वो करने वाले हैं। देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने किसी और एंगल से, अनिल विज जी जो हमारे बड़े नेता हैं, उन्होंने बोला दूसरे एंगल से बोला, ठीक बात है कि अब वो पप्पू ज़्यादा बड़ा शरारती हो गया है, और जब बड़ा शरारती होता है तो शरारत बड़ी करने के, लेकिन मैं मानता हूँ ज्ञान के मामले में वो भी छोटे ही हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि उनको थोड़ा बड़ा होने दीजिए साहब। तो उनकी बात भी ठीक है, और मैंने अपने एंगल से और अपने नज़रिए से कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सुन रहे थे असीम गोयल जी को, जिन्होंने एक्सक्लूसिवली तमाम मुद्दों को लेकर जो मुलाकात की है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से, तमाम मुद्दों को लेकर एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज़ से बात की है। दिल्ली से हरियाणा न्यूज़ के लिए अपराजिता श्री।